देश में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम लागू करने की मांग वाली पीआईएल पे कोर्ट में सुनवाई हुई है। हमने ये मांग किया है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट को बदल के राइट टू इक्वल एजुकेशन बनाया जाए और पूरे देश में सिलेबस कॉमन किया जाए। बंगाल वाला बंगाली में पढ़े, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, तमिलनाडु वाला अपने तमिल में पढ़े, लेकिन सिलेबस और करिकुलम एक समान होना चाहिए। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, जूलॉजी का, बॉटनी का, इंग्लिश का, हिंदी का, संस्कृत का, ये सारे सिलेबस कॉमन होने चाहिए पूरे देश में। और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि सारे के सारे कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम हो रहे हैं उनका पेपर एक हो रहा है। इंजीनियरिंग का एक ही एग्जाम होता है पूरे देश के लिए, मेडिकल का एक ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है पूरे देश के लिए, एनडीए का एक ही एग्जाम होता है पूरे देश के लिए, इसी तरीके से आईएएस का जो पेपर होता है वो सबके लिए कॉमन होता है, पीसीएस का पेपर सबके लिए कॉमन होता है, बैंक का पेपर सबके लिए कॉमन होता है, रेलवे का पेपर सबके लिए कॉमन होता है, और अब तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कॉमन जो सीयूईटी हो रहा है वो भी सबके लिए एक पेपर कॉमन है। अब जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर एक है तो फिर अलग अलग सिलेबस क्यों पढ़ाया जा रहा है? सीबीएसई कुछ अलग पढ़ा रहा है, आईसीएसई कुछ अलग पढ़ा रहा है, यूपी बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, बिहार बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, बंगाल बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, और सारी पढ़ाई करने के बाद जब बच्चा जाएगा एग्जाम देने उसके लिए सबके लिए एक पेपर होगा। अगर पेपर सीबीएसई के पैटर्न पे सेट होता है तो बाकी स्टेट बोर्ड वालों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। अगर जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर है इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, एनडीए का, बैंक का, रेलवे का, अगर वो आईसीएसई बोर्ड के पैटर्न पे होता है तो सीबीएसई बोर्ड वालों को और बाकी स्टेट बोर्ड वालों को फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। राइट टू एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है, इसलिए हमने कोर्ट से ये कहा है कि आप केंद्र सरकार को निर्देश दीजिए, एनसीईआरटी को कहिए एक कॉमन सिलेबस कॉमन करिकुलम तैयार करे। आज की डेट में जो नवोदय स्कूल है वो पूरे देश में उसका सिलेबस कॉमन है, जो आपका केंद्रीय विद्यालय है उसका सिलेबस भी कॉमन है। और अगर आप बाहर देखिए, अमेरिका में यूनिफॉर्म एजुकेशन है, चाइना में यूनिफॉर्म एजुकेशन है, फ्रांस में यूनिफॉर्म एजुकेशन है, जापान में यूनिफॉर्म एजुकेशन है, सिंगापुर में यूनिफॉर्म एजुकेशन है, रसिया में यूनिफॉर्म एजुकेशन है, दुनिया के कई देशों में यूनिफॉर्म एजुकेशन होता है, यानी सिलेबस करिकुलम सबका कॉमन होता है। हमारे देश में सिलेबस अलग अलग चल रहे हैं, करिकुलम अलग अलग चल रहे हैं, इसके कारण बच्चा कितना भी अच्छा हो पढ़ने में बिना कोचिंग के वो इंजीनियरिंग क्वालिफाई नहीं कर पाता, क्योंकि वो यूपी बोर्ड का बच्चा कितना भी अच्छा हो एक्सपर्ट पढ़ने में लेकिन पेपर जो सेट हुआ वो तो सीबीएसई के पैटर्न पे हुआ तो फिर वो क्वालिफाई नहीं कर पाता, अल्टीमेटली उसको कोचिंग करना पड़ता है। और मैंने ये भी कोर्ट को कहा है कि ये कोचिंग माफियाओं के दबाव में ही वन नेशन वन एजुकेशन लागू नहीं हो रहा है। कोचिंग माफिया इतने पावरफुल है, इनका लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का कोचिंग का बिजनेस है हर साल का। अगर वन नेशन वन सिलेबस हो जाएगा, कॉमन सिलेबस कॉमन करिकुलम हो जाएगा और जो पढ़ाया जाएगा यही पूछा जाएगा तो लोग कोचिंग नहीं करेंगे, जो मेहनती बच्चे होंगे वो अपनी पढ़ाई करेंगे और उसके बाद एंट्रेंस क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन ये कोचिंग माफियाओं ने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि पहली बात तो वन नेशन वन सिलेबस नहीं होने दे रहे, वन नेशन वन एजुकेशन नहीं होने दे रहे, और दूसरा जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाता है वो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा नहीं जाता, जो एग्जाम में पूछा जाता है वो 10वीं 12वीं में पढ़ाया नहीं जाता। इसका मेन ये कारण है कि कोचिंग माफियाओं ने पूरे हमारे एजुकेशन सिस्टम को हाईजैक किया हुआ है। और दूसरी बात ये भी है, जो बुक माफिया हैं, पब्लिशर हैं, ये नहीं चाहते कॉमन सिलेबस कॉमन करिकुलम हो, क्योंकि अगर कॉमन सिलेबस कॉमन करिकुलम हो जाएगा और सिलेबस कांस्टेंट रहेगा 2 साल 3 साल 4 साल तक वही रहेगा तो फिर जो पब्लिशर है इनकी किताब कोई नहीं खरीदेगा, लोग एनसीईआरटी किताब खरीद लेंगे। जो एनसीईआरटी छापेगा अगर वही लोग किताब में स्कूल में चलाएंगे तो एनसीईआरटी किताब 100 रुपये की मिलती है, प्राइवेट पब्लिशर उसको 500-1000 रुपये की बेचते हैं। तो बुक माफिया नहीं चाहते कि कॉमन सिलेबस कॉमन करिकुलम हो, एनसीईआरटी किताब हर जगह लागू हो। कोचिंग माफिया नहीं चाहते यूनिफॉर्म सिलेबस हो, यूनिफॉर्म करिकुलम हो, वन नेशन वन सिलेबस हो। और स्कूल माफिया नहीं चाहते कि वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो। सीबीएसई बोर्ड वाले चाहते हैं कि उनका सीबीएसई बोर्ड अलग से चलता रहे जिससे उनकी दुकान चलती रहे, आईसीएसई बोर्ड वाले चाहते हैं कि उनकी दुकान अलग से चलती रहे। तो इसलिए ना सीबीएसई बोर्ड वाले चाहते हैं वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो, ना आईसीएसई बोर्ड वाले चाहते हैं। और इसका नतीजा ये हो रहा है कि आम जनता, आम बच्चा पिस रहा है इस पूरे माफिया राज में। इसलिए मैं कोर्ट से निवेदन किया है, कोर्ट ने केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय को और कानून मंत्रालय को,
चार हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। एनसीईआरटी, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड को बोला है चार हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करिए। दिल्ली सरकार को भी बोला है कि आप भी अपना स्टैंड क्लियर करिए, आप क्या चाहते हैं, आप वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम चाहते हैं या नहीं चाहते, आप वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड चाहते नहीं चाहते, और चार हफ्ते के बाद जवाब आ जाएगा। फिर 11 दिसंबर को इसकी अगली सुनवाई होगी। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, इस वीडियो को जन जन पहुंचाइए, इस वीडियो को घर घर पहुंचाइए। कॉमन सिलेबस होगा, कॉमन करिकुलम होगा, तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यूनिफॉर्म एजुकेशन से सबसे बड़ा फायदा होगा, जातिवाद खत्म होगा, क्लासेस खत्म होगी, भाषावाद खत्म होगा, क्षेत्रवाद भी खत्म होगा, और जिहाद और मजहबी उन्माद भी खत्म होगा। यूनिफॉर्म सिलेबस होगा, मंत्री और संतरी के बच्चे की एक किताब होगी। यूनिफॉर्म सिलेबस का मतलब ये हुआ कि शिक्षक का बेटा और शिक्षा मंत्री का बेटा एक ही किताब पढ़ेगा। यूनिफॉर्म सिलेबस का मतलब क्लर्क का बेटा और कमिश्नर का बेटे की किताब एक होगी। यूनिफॉर्म सिलेबस का मतलब मजदूर के बेटे की किताब और मालिक के बेटे की किताब एक होगी। यूनिफॉर्म सिलेबस से वास्तव में भारत में समाजवाद आएगा। समान शिक्षा से ही भारत में शांति आएगी, समान शिक्षा से ही भारत में समृद्धि आएगी, समान शिक्षा से ही वास्तव में भारत में समरसता आएगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, समान शिक्षा की मांग करिए। समान नागरिक संहिता से 100 गुना ज्यादा जरूरी है समान शिक्षा। ये जो देश में आप देख रहे हैं ना, आतंकवादियों के समर्थन में रैली निकलती है, जिहादियों के पक्ष में लोग खड़े हो जाते हैं, युद्ध हो रहा है इसराइल में और रैली निकल रही है आतंकवादियों के समर्थन में भारत में, ये क्यों? क्योंकि यहाँ मैकाले शिक्षा चल रहा है, मदरसा शिक्षा चल रहा है और मिशनरी शिक्षा चल रहा है। ये मैकाले शिक्षा खत्म होनी चाहिए, मिशनरी शिक्षा खत्म होनी चाहिए, मदरसा शिक्षा खत्म होनी चाहिए, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड खत्म होना चाहिए, केवल एक देश एक शिक्षा बोर्ड यानी भारतीय शिक्षा बोर्ड होना चाहिए और वन नेशन वन सिलेबस यानी पूरे देश का सिलेबस एक समान होना चाहिए। उसी से भारत में शांति होगी और समृद्धि होगी।